कि अगर आप ये व्लॉग एंड तक देखेंगे, दरमियान या एंड पे आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं इधर सेंट्रल लाइब्रेरी और आज हम इसका विजिट करेंगे अच्छी तरीके से। इस चैनल पर मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये विजिटिंग प्लेसेस, ठीक है। हम जो सेंट्रल लाइब्रेरी में एंटर हो चुके हैं वो सब मेन गेट है और इसके जो है सबसे जो फर्स्ट जो है ये है ट्रेन, ठीक है, ये उस वक्त की है। इसके अलावा अभी जो हम उधर जाएंगे वो एक गाड़ी खड़ी है, वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल शायर मशरक अल्लामा इकबाल की जो है वो गाड़ी है। अभी इसका देखते हैं कि वो कैसी है। मेन बिल्डिंग है वो ये है कि हमारे बैकग्राउंड पे जो नजर आ रही है, इसलिए मेन बिल्डिंग है। सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर जीती जागती दुनिया में एक ऐसी मुनफरिद इमारत है कि जो अपने बनने के पहले रोज से ही लाइब्रेरी के लिए तैयार की गई थी। दुनिया के अजीम तरीन लाइब्रेरियों में से सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर रियासत बहावलपुर के फरमा रवाओं के इल्म दोस्ती का मुंबोलता सबूत भी है। दुनिया में मौजूद चंद ही ऐसी लाइब्रेरियाँ होंगी जो खालिसतन लाइब्रेरी के मकसद के लिए बनाई गई होगी। ज़्यादातर लाइब्रेरियाँ ऐसी बिल्डिंग्स में मौजूद हैं जो पहले किसी और मकसद के लिए काम में आती रही होंगी। सेंट्रल लाइब्रेरी का संग बुनियाद उस वक्त रखा गया कि जब नवाब सादिक खान अब्बासी की ताजपोशी थी। ये लाइब्रेरी एक बड़े खुले कुशादा हवादार और ऐसी टेक्निक से बनाई गई है कि जिसमें रोशनी और हवा कुदरती तौर पर गुजरती है। हॉल के ऊपर इस ज़माने में लेटेस्ट सीलिंग तैयार की गई। छत और सीलिंग के दरमियान इतना फासला है कि एक शख्स इसमें से आसानी से गुजर सकता है। इस लाइब्रेरी में मौजूद शमालन जनूबन बड़े बड़े रोशनदानों से हवा का गुजर होता है, तो इससे दर्जा हरारत भी मामूल के मुताबिक रहता है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और इसके अलावा जो है यहाँ पर लाखों बुक्स पड़ी हैं। अभी हर चीज़ हर टॉपिक पर इधर बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है। नादिर और ओरिजिनल कुतुब के अलावा बर सखीर पाक व हिंद के कदीम अखबारात का भी एक जखीरा या महफूज है। लाइब्रेरी के साथ ख्वातीन और बच्चों का सेक्शन खास अहमियत का हामिल है। देखे ये इसके पास म्यूजियम था लाइब्रेरी के पास, जो कि अभी बिल्कुल ज़ेर तमीर है और बंद कर दिया इन्होंने। अभी इसकी तमीर मुकम्मल हो गई तब ओपन होगा। भाईजान ये चीज़ जो है ना पहली बार खा रहा हूँ, यकीन मानो इतना मज़ा आएगा इंचा साहब। भाई साहब बहुत अच्छा, ठीक है, 10-20 रुपए के 10 रुपए दिया और ये मिल गया, ठीक है। चस आ गई है बहुत अच्छे। आप भी लगा खा करें यार, नेक्स्ट ब्लॉग देखना चाहते हैं जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को ऑन कर दें इस तरह के मज़ेदार इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए। ओके, अपने भाई मिस्टर ने इजाज़त दे दी है और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।